काल भैरव आ चुके हैं और काल भैरव का प्रसाद लेना है अब। ये अंग्रेजी मदेशी मदिरा दुकान, यहाँ से मैं प्रसाद लेता हूँ और देखते हैं कैसे चढ़ता है काल भैरव जी को। मदिरा का प्रसाद चढ़ता है, आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। रॉकफोर्ट कितने का? रॉकफोर्ट लॉगिन कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, अपने लिए बना रहा हूँ। चलो ना खोलो। हैं? रॉकफोर्ट कितने का एक ऑर्डर? आरएस ऑल स्टैक। तो क्योंकि दिल्ली में तो मिलता नहीं आरएस, और मेरे लिए नहीं है ये, बाबा के लिए है, तो मैं आरएस ही लूंगा। आरएस का दे दो ऑर्डर। तो काल भैरव जी की तरफ अब हम चल दिए हैं प्रसाद लेकर। और बहुत दिनों से सोचा था, हर वीडियो में हम जय भैरव की भी करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आके साक्षात काल भैरव जी से मिलने को, जो महाकाल जी के सेनापति कहलाते हैं। जूता स्टैंड टोकन। बहुत भीड़ है। ओहो, नहीं बंद, मतलब बंद नहीं भाई, वीडियो बंद। स्विच ऑफ क्यों कर रहे हो? जय महाकाल, जय काल भैरव। यहाँ भी आरती होगी शाम को। सभी पीने वाले यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, बोतलें लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया में हर चीज़ का स्पेस है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं उसकी भी पूजा होती है, तो अच्छी बात है। जय भैरव की। तो ये भैरव बाबा को भोग लग चुका है और ऐसा पूरा परिसर बना हुआ है मंदिर के बैक साइड में हम हैं, और बड़ा दिल को यार अच्छा लगा। हमेशा वीडियो में नाम लेते थे और ऐसे भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं काल भैरव जी के, और यहाँ से विभूति मिलेगी अब आगे। तो सारे साथी यहाँ पर आए और एक अलग चीज़ देखे कि हर एक कर्म का किस तरह से सनातन धर्म में एक स्पेस दिया हुआ है, उसको समझे और एक अलग ही सोच मिलेगी आपको, अलग ही आयाम मिलेगा। फूल चढ़ा दो। विभूति एकदम मजे थे। तुम्हारा कस का आठवण आली बरोबर?